देखिए मैं आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखा है डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे मूव करेगा। और जब ये ऐसे मूव करेगा तो आप सभी जानते हैं क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ये पाई बॉन्ड मूव कर रहा है, पाई यहाँ पर आएगा, ये डबल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे आएगा। देन जब ये ऐसे आएगा तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का। उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये डबल आ जाएगा और यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप किस प्रकार से मूव कर रहा है, इसे कहते हैं पूरा कॉन्जुगेशन, इसे कहते हैं पूरा रेजोनेंस, क्योंकि डीलोकलाइजेशन हो रहा है किसका, पाई बॉन्ड का पूरा पाई बॉन्ड। यहां से उठ के यहां देखिए, पहला स्ट्रक्चर देखिए और लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखिए, पूरा का पूरा पाई बॉन्ड यहां से उठ के यहां पर चला आया, इधर से उठकर इधर चला गया, इधर से उठकर इधर चला गया और इधर से उठकर इधर चला गया। इसी को कहते हैं हम रेजोनेंस। अब रेजोनेंस से एक मिलता जुलता टर्म होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट में आप देखते हैं प्लस एम और माइनस एम के बारे में क्या होता है। मैं बात करूं अगर मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, मेसोमेरिक इफेक्ट भी जैसे आपने भी पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, उसी प्रकार से मेसोमेरिक इफेक्ट भी होता है। और यह भी होता है परमानेंट पोलराइजेशन की वजह से होता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उन्हीं की वजह से होता है। जैसे मैं बात करूं, अगर एक रिएक्शन समझ लीजिए, मैंने दिया आपको कोई रिएक्शन नहीं, इसका मैं सीधे एप्लीकेशन बता रहा हूं, एप्लीकेशन से मैं सिखा दूंगा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको रिएक्शन दिया, यहां पर मैं लगा दिया COH और इसकी रिएक्शन मैंने कराई आपको, समझ लीजिए मैंने इसका H2SO4 से रिएक्शन कराई HNO3 के प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4 से रिएक्शन कराई HNO3 के प्रेजेंस में। यहां पर क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। जब यहां पर नाइट्रेशन होगा तो आप कभी कभी देखते हैं कुछ कंपाउंड में आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि CO यहां लगाओ, यहां पर NO2 आकर के इस पोजीशन पे लग जाता है, इसको कहते हैं मेटा पोजीशन। और अगर इसी कंपाउंड में ऊपर मैंने लगाया होता है NH2 और ये होता है एनिलीन और इसकी रिएक्शन सेम इसी से करता, तब बना देता ये ऑर्थो और पैरा पर जाकर NO2 जोड़ देता। सॉरी, यहां पर ऑर्थो और पैरा पर आकर यहां पर क्या जोड़ेगा, यहां पर जोड़ देगा NO2 और दूसरा कंपाउंड बनाएगा, यहां पर रहेगा ऊपर NH2 और नीचे जोड़ देगा यहां पर क्या NO2, जिसमें ये मेजर होता था ये माइनर होता था। तो ऐसा कुछ कंपाउंड होता है। अब इसमें पूरा का पूरा रोल होता है मेसोमेरिक इफेक्ट का, कैसे रोल होता है इसमें सबसे पहले बताऊंगा मैं। इसको कहते हैं इस वाले को, इसको कहते हैं प्लस एम, इसको कहते हैं प्लस एम, इसको कहते हैं माइनस एम इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। इसको कहते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसको कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आपको माइनस एम के बारे में या प्लस एम के बारे में, सबसे बात करते हैं प्लस एम की बात कर लेते हैं। अगर प्लस एम मतलब क्या था, प्लस आई का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। यहां प्लस एम का मतलब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देने वाला। यहां पर मैं लग गया था मान लो NH2 और यहां पर मैं इसको ओपन कर दूं तो यहां डबल सिंगल डबल, यहां पर लोन पेयर होता है NH2 का, सबको सबको पता होगा। यहां से ऐसे गिरेगा, ये इधर की तरफ गिरेगा, जब इधर की तरफ गिरेगा तो यहां पर कंपाउंड कुछ इस तरह से बनाएगा, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया डबल, ये हो गया डबल और यहां पर देखें NH2 आ गया। देखिए चार्ज डेंसिटी कहां बढ़ी, कहां बढ़ी, ऑर्थो पर बढ़ी, कहां बढ़ी, ऑर्थो पर बढ़ी। उसके बाद अगर आप आगे बात करें, उसके बाद ये ऐसे मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा, जब ये इधर की तरफ यहां डबल हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहां तो NH2 लगा ही था डबल बॉन्ड से और यहां पर क्या लगा था, ये लगा था। देन उसके बाद क्या होगा, अब देखिए कहां चार्ज डेंसिटी बढ़ी, पैरा पर बढ़ी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ऑर्थो पैरा में। इसको अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप से लगे, दूसरी वाली पोजीशन को हम हमेशा ऑर्थो कहते हैं, तीसरी पोजीशन को मेटा कहते हैं, चौथे पोजीशन को हम पैरा कहते हैं। यहां पे कहां आ गया, अब ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ, देखिए फिर से ऑर्थो पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यहां पर ये डबल बॉन्ड NH2 लगा ही था, यहां पर ये डबल बॉन्ड ये लग गया मतलब, और इसके बाद यहां पर क्या गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या करेगा, ये लास्ट स्ट्रक्चर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, जब ये ऐसे और ऐसे जाएगा तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब ये N ऊपर चला गया मतलब लोन पेयर वापस चला गया और ये यहां पर डबल हो गया, यहां पर, यहां पर डबल हो गया, यहां पर डबल हो गया और यहां पर डबल हो गया। तो आप देख सकते हैं ये देखिए यहां पर और यहां पर, इन दोनों में कॉन्जुगेशन की वजह से, रेजोनेंस की वजह से पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर पलट गया है, लेकिन यहां पर चार्ज डेंसिटी बढ़ी ऑर्थो पैरा पे। इसलिए जब मैंने यहां पर रिएक्शन कराया था H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो NO2 ने अटैक कहां कहां मारा था, ऑर्थो और पैरा पर मारा था। अब दूसरी बात अगर करें,
अगर हम दूसरी बात करें हम माइनस आई की, जो मैंने आपको मेटापर लगा दिया था, वही मैं लेता हूं COH लेता हूं जो मैंने लिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या ले लिया, COOH, तो C डबल बॉन्ड O, O H, इस प्रकार से ले लिया। अब याद देखो यहां पर O लगा है, O O का मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देना तो पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहां पर चार्ज आएगा माइनस का, यहां पर चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर प्लस का, और जैसे कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा तो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ मूव कर जाएगा, और कुल मिला के स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहां पर, यहां पर ये देखो, यहां पर आ गया डबल, यहां पर आ गया C, और यहां पर आ गया इसके ऊपर O के ऊपर नेगेटिव, और जब ये इधर की तरफ मूव किया चार्ज यहां पर पॉजिटिव का आ गया, पॉजिटिव का चार्ज ऑर्थो पर आने का मतलब है कि यहां पर चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पर घट गई, क्या हो गई, घट गई। उसका कैसे मूव करेगा, इधर की तरफ मूव करेगा, ये भाई नेगेटिव पॉजिटिव तरफ भागेगा, और जब ये इधर की तरफ भागेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या बनेगा, ये ये, उसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये जो पॉजिटिव था यहां पे ऐसे ऑर्बिट कंप्लीट खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव यहां पे चला जाएगा, देख रहे हैं आप, और कहां पर पड़ा, मतलब चार्ज डेंसिटी कहां पर कम हो गई, पहला पर चार्ज डेंसिटी अब कम हो गई। और बात करें इसके आगे, इसके आगे और बात करें तो यहां पर क्या होगा, ये इधर की तरफ भागेगा, और जैसे इधर की तरफ भागेगा तो यहां पॉजिटिव, अभी देखो यहां पर फिर से ऑर्थो पर ही आया, तो फिर से चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पर खत्म हो गई, और देन जो लास्ट स्ट्रक्चर बनाएगा इसका, देन जो लास्ट स्ट्रक्चर बनाएगा, जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा आप उसको देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर जब मैंने इसको पॉजिटिव बनाया, यहां पर हमारा था ये थोड़ा बल और ये था डबल। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये इधर की तरफ भागेगा, और जब इधर की तरफ भागेगा तो यहां पर आएगा डबल, जब ये डबल यहां पर आएगा उसके बाद क्या करेगा, ये पॉजिटिव तुरंत ये ऊपर की तरफ भागेगा, जैसे ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, कुल मिलाकर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया ओ एच, और यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, ये यहां पर चला आएगा ये, और यहां पर आ जाएगा इस तरीके से, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से लौट आता है। यहां पर आप देखिए यहां पर क्या हुआ, ये हुआ, देन उसके बाद यहां पर आया, देन उसके बाद क्या हुआ, ये इधर की तरफ बढ़ा, देन ये इधर की तरफ बढ़ा, तो चार्ज यहां पर पॉजिटिव का आया, उसके बाद चार्ज पॉजिटिव का यहां आया तो ये इधर की तरफ आया होगा, सॉरी ये देखिए यहां से ये इधर की तरफ आया होगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये देखिए यहां पर पॉजिटिव खत्म हो गया, और यहां पर चार्ज तुरंत कौन सा आ गया होगा, पॉजिटिव का, जब यहां ये नीचे की तरफ आया होगा तो चार्ज यहां पर पॉजिटिव का आ गया होगा, और ये नेगेटिव यहां से ही आया होगा, यहां पर हो गया डबल, और पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर कौन सा है, यहां पर देख सकते हैं ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव आने की वजह से यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, ऑर्थो पैरा पर कम हो गई, तो क्या यहां पर अब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल तो वही अटैक मारता है जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो NO2 ने इसी वजह से आपके उस केस में प्लस एम के केस में अटैक किया था ऑर्थो पैरा पर, और इस केस में अटैक कहां करेगा, चार्ज डेंसिटी एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा है तो ज्यादा मेटा पर ही, इस वजह से कैसे याद रखेंगे, बस एक तरीका याद रखिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड के ऊपर कोई ऐसा कंपाउंड जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर है तो वो हमेशा शो करेगा प्लस एम इफेक्ट, रिंग एक्टिवेटिंग, क्या लिखेंगे, रिंग एक्टिवेटिंग, और अगला अगर मान लीजिए बेंजीन के ऊपर ऐसे बना है और उसके ऊपर आपके लोन पेयर के अलावा मान लो अगर इस तरह से कंपाउंड लिखा है, याद कर लो ए डबल बॉन्ड बी, और इसमें आप देखो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ए से ज्यादा है, किसकी, बी की ज्यादा, तो अपनी तरफ खींचेगा और ये काम किस तरह करेगा, माइनस एम की तरह, इसको कहेंगे रिंग डीएक्टिवेटिंग, और ये होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ये होगा मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, अगर आपको मेरी ये लेक्चर, मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका कोई भी लेक्चर अगर आप सुनना चाहते हैं या मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जल्दी से जल्द रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।